नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं पहलवान धर्मवीर जी के पास, जो कि वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन के एक रक्षक है। और हम आजकल जैसा कि चर्चा चल रही है जोरों से कि इस्लाम धर्म के अनुयायी यानी कि मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या से ये देश पीड़ित है, और ये काफ़ी चिंतनीय सवाल है अपने आप में। जैसा कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का भी ये मानना है कि ये जनसंख्या अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है, जैसा कि इसकी बढ़ती रेट को देखा जाए। तो इस पर आइए विचार जानते हैं पहलवान धर्मवीर जी के। सभी दोस्तों को नमस्ते, मैं पहलवान धर्मवीर सिंह वैदिक सत्य सनातन धर्म के रक्षक फाउंडेशन से। मेरे छोटे भाई जी ने सवाल पूछा है कि क्या मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या से देश को खतरा है। देखिए दोस्तों, मुसलमान से किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जनसंख्या तो किसी की भी ज़्यादा बढ़े साधन के हिसाब से वो खतरा ही होता है। अगर जंगल में घास फूस ज़्यादा ना हो, जानवर ज़्यादा हो जाए तो खतरा होगा ना। ऐसे ही ये धरती है, ये धरती माता है, तो ये कोई रबड़ तो है नहीं बढ़ेगी। खैर वो विषय दूसरा है, मैं अब बता देता हूँ। मुसलमानों से किसी को कोई खतरा नहीं, लेकिन मुसलमानों को जो पढ़ाया जाता है इस्लाम, इस्लाम से मेरे भारत को भी खतरा है और पूरी दुनिया को खतरा है। किस इस्लाम से? जो कुरान का है, जो कुरान को मानने वाला है, वो कब से है? 1400 साल से। तो कुरान जो कहती है, मुसलमान उसको पत्थर की लकीर मानता है। जो कुरान में कहा उसी बताए रास्ते पे चलता है। कुरान में कहा अल्लाह का ये आदेश है, वही मानता है। और कुरान कहती है कि इस्लाम के अलावा दूसरे कोई भी हैं, मैं मीनिंग के तौर पे बता रहा हूँ, उनको जीने का अधिकार नहीं है। उनको जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो। किनको? जो ईमान वाले नहीं है उनको बेईमान कहा, जो ईमान वाले नहीं है वो नापाक बताया अल्लाह ने, उनको जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो। तो जो उनकी सोच है, जो उनको पढ़ाया जा रहा है, उससे खतरा है। मदरसों में पढ़ाया जा रहा है कि ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। और यहाँ तक कि अल्लाह ने तो कुरान में भी कहा, सूरा निशा की आयत नंबर 144 में भी कहा है कि तुम हे ईमान वालो, हे मुसलमानों, तुम मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे खुले दुश्मन है। अगर तुम इनको काफिरों को दोस्त बनाओगे तो मैं अल्लाह तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तो जब अल्लाह का ये आदेश है तो वो क्यों नहीं मानेंगे भाई? इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? मुसलमान जो पंथ है वो एक गिरोह है। गिरोह का है वहां अल्लाह ताला ने कहा, सूरा अंबिया की आयत नंबर 92 आप पढ़ेंगे, वहां अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ए मेरे गिरोह के लोगों। तो अल्लाह ने कोई उसको धर्म नहीं कहा, उसको कोई वो नहीं कहा, ये एक मत मजहब है जो एक इंसान का चलाया हुआ है, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का चलाया हुआ एक जो है मत है, एक मजहब है। उसको मानने वाले जो हैं उसी की बात को मानेंगे। जिनके लिए पुस्तक बताते हैं कि आसमानी किताब है ये कुरान पाक, कुरान शरीफ, और इसमें जो आयत हैं 6236। इसमें जनसंख्या के ऊपर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? कुरान में 6236 आयतें हैं, ये बताते हैं 6636। कुछ कहते हैं बकरी खागी, कुछ कहते किसकी मान्यता लगे। तो जनसंख्या नियंत्रण क्या है? सोच के ऊपर बात है। अब इनकी सोच है इस्लामीकरण करने की। आपने पहले देखा होगा भारत में जो कहते हैं कि भाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर मजहब ना सिखाता, मजहब मतलब जो उनके विचार हैं, मजहब ना होता तो आराम से रह रहे थे, फिर पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? इनकी इस इस्लाम वालों की सोच ही ये है कि अल्लाह ने यही कहा कि तुम जो है मेरे दीन को बढ़ाते चलो, मेरे दिन को बढ़ाओ। जब दुनिया में इस्लाम का पूरा परचम लहरा जाएगा, कयामत आएगी, वो जितने भी मेरी राह में जिहाद करने वाले हैं, जो जिहादी हैं, वो सब जन्नत में जाएंगे। और वहाँ जन्नत में जो है मौलाना जो है जन्नत का एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वहाँ हूरे हैं, नीचे नदियाँ बह रही हैं, शहद के बाग हैं, वहाँ जो है ना तो निकाह करने की जरूरत है, वहाँ अन टच जो है औरतें आपके लिए वहाँ स्वागत में खड़ी हुई हैं। इसलिए अल्लाह के दीन को बढ़ाओ, अल्लाह की राह में जिहाद करो, इसलिए खतरा है जनसंख्या बढ़ाने से, और कुछ नहीं। अरे वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, इंसान को इंसान से क्या खतरा होगा?
लेकिन देखिए एक दान दे रहा है, एक दानी है, हर एक चोर है। क्या दानी से किसी को खतरा होता है? वो भी इंसान है, नहीं होता ना। लेकिन एक चोर से, एक लुटेरे से, एक डाकू से, वो भी इंसान है, खतरा है। तो अगर इनकी सोच बदल दी जाए कि भाई ऐसा नहीं है, परमात्मा को, दुनिया को बनाने वाला परमपिता परमात्मा वो सबके लिए एक है, वो किसी लिए गलत नहीं करता। इसलिए इनको गलत फहमी बताया कि अल्लाह माफ कर देता है, तुम कितने गुनाह कर लो, तुम कितने कतर कर लो, तुम जो है गट्ठर बांध दो गुनाहों का, अल्लाह से तोबा कर लो, और तोबा कर लोगे तो आखिर में आपके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मैं इन आलिमों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे तो गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन जिनके साथ तुमने अत्याचार किया, जिनको मारा कत्ल किया, उनको न्याय कौन देगा? उसको न्याय देने वाला कौन है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ परमपिता परमात्मा जो दुनिया को बनाने वाला है, ना किसी का भला करता है, ना किसी का बुरा करता है, ना किसी को सुख देता है, ना किसी को दुख देता है, वो न्यायकारी है, न्याय करता है। इसलिए इसका एक ही इलाज है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो इस टाइम पर लाना बहुत जरूरी है, चूंकि एक बैलेंस, सबका एक बैलेंस बनना चाहिए, बैलेंस बगैर गुजारा नहीं है। क्या हुआ, इंदिरा गांधी लाई थी नसबंदी का, वो अब नसबंदी का जो पालन है वो हिंदुओं ने तो किया, सरदारों ने किया, जैनों ने किया, बौद्धों ने किया, लेकिन इन्होंने नहीं किया, चूंकि इनको कहा जाता है कि अल्लाह की देन है, संतान तो अल्लाह की देन है, पालने वाला अल्लाह है, तुम कौन? और ये कहते हैं सारी धरती अल्लाह की है। तो ये जो है काफिर जितने भी है ये तो बेकार, इनको मारो, काटो, इनकी प्रॉपर्टी को लूट लो, ये सारा तो अल्लाह का ही तो है, तो आपको दिक्कत किस बात की? इसलिए खूब जनता पैदा करो, खूब बच्चे पैदा करो। ये इनकी वो है सूरह अम्फाल जो है, पूरी कुरान में सूरह अम्फाल माने गनीमत है, उसका मतलब ही माले गनीमत है कि मालिक ने तुम जो है युद्ध करो इन काफिरों से, गैर मुस्लिमों से, बेईमानों से, और इनके जो माल है जो उसको लूटो, वो तुम्हारे माले गनीमत है। उनकी औरतों तक को लूटने के लिए बात है, लड़कियों को लूटने तक की बात है कुरान में। बताइए ये किसी दुनिया को बनाने वाले का कानून कैसे हो जाएगा? तो ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत है। नहीं तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम मनुष्य को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। मत मजहब में और धर्म में यही अंतर होता है, मत मजहब जो है आदमी को आदमी से अलग करता है, जुदा करता है, वो धर्म जोड़ता है। अब देखिए अब इनमें ही मान लो आप, अभी ईसाई भी उसी चीज को मानने वाले हैं, और ये अपने मूसा वाले यहूदी भी मानने वाले हैं, मूसा, ईसा और मोहम्मद साहब और दाऊद, ये सबका जिक्र कुरान में आता है। अरे भैया पहले आपस में तो डिसाइड कर लो कि मूसा वाले ज्यादा बढ़िया है या ईसा वाले ज्यादा बढ़िया है या दाऊद वाले ज्यादा बढ़िया है या मोहम्मद साहब वाले ज्यादा बढ़िया है, पहले आप डिसाइड कर लो। सबको तो इस्लाम में बनाने के लिए आपने ठेका ले रखा, इस्लामीकरण करने का ठेका ले रखा। इस दुनिया में परमात्मा ने कहा वेदों में मनुष्य बनो, मनुर्भवे, तो लेकिन वो ना बन के मुसलमान बनाए जा रहे हैं, ईसाई बनाए जा रहे हैं और जो है बौद्ध बनाए जा रहे हैं। मनुष्य बनने को कोई तैयार नहीं है, मनुष्य बनने को तैयार नहीं है, जो परमात्मा का आदेश है मनुष्य बनो। तो यही है सबसे बड़ा इनकी जनसंख्या बढ़ने का कारण। अगर इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो इनके दिमाग में एक ही रहता है कि ये जो भी है सब अल्लाह का है, ये काफिर है, इनको जहाँ पाओ कत्ल करो, इनके जो माल को लूटो, इनसे युद्ध करो, माल गनीमत है। इसी का कारण हो रहा है कि इन्होंने नाक में दम किया हुआ है, वरना तो ऐसा ही मैं और अब्दुल और पीटर सब एक ही तो हैं उस परमात्मा के बनाए हुए। हम में आपस में भेद कैसा है? नाम का ही तो भेद है, नाम से थोड़े कुछ होता है। लेकिन उन्होंने नाम भी अरबी धरने हैं, नाम भी, काम भी अरबी करने हैं और त्यौहार भी अरबी मनाने हैं, तो भारत में इनका क्या मतलब रह गया फिर? तो भारत में जनसंख्या बढ़ा के पहले भारत माता के टुकड़े कर दिए, और ये इसलिए ना भारत माता को मानते हैं ना किस चीन को मानते हैं, इनके लिए दीन दीन ही है सब कुछ। जो जिसका एक कलमा है और एक ही जो है मानने वाले मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं और कुछ नहीं, मोहम्मद साहब को माने, मोहम्मद इस्लाम मोहम्मद साहब हैं और मोहम्मद साहब ही इस्लाम है और कुछ नहीं। बहुत लोग बात कहते हैं आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, ये बहुत गलत कहते हैं। वो कुरान में जो है लिखा हुआ वो ही मैं बता रहा हूँ, और हिंदू मुस्लिम ये सब कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। कुरान का जो अल्लाह है उसने दूसरों को पसंद करता ही नहीं, वो मुसलमानों के अलावा, ईमान वालों के अलावा। तो शुरुआत तो कुरान ने कर रखी है, मैं अगर किसी को बोलूँ तेरे को जान से मार दूंगा तो मेरे कानून, मेरे संविधान के हिसाब से मेरे पे 506 के थ्रू केस दर्ज हो जाएगा। और वहाँ अल्लाह खुद कह रहा है, सूरह तौबा आयत नंबर 5 में कह रहा है, सूरह निसा 89 में कह रहा है, कितनी आयतें हैं कुरान की जो कह रहा है इनको कत्ल करो, इनको मारो, इनको लूटो। और यहाँ तक कि एक जगह तो कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब को हुक्म दे रहे हैं अल्लाह कि काफिरों के खिलाफ, काफिर के खिलाफ जो है
उकसाओ मुसलमानों को कि तुम जो है 100 हो तो 1000 पे भारी पड़ोगे और 1000 हो तो 2000 पे भारी पड़ोगे। इस तरह की बातें जो जिसका जो ग्रंथ में बताई जाती है वो वहाँ कैसे शांति से रहने देगा मेरे भैया। इसलिए इस्लाम को बदनाम कोई नहीं कर रहा, इस्लाम को बदनाम करना है तो कुरान को पढ़िए, कुरान को जानिए। और मैं तो कहता हूँ अभी वैदिक सत्य सनातन धर्म जो हमारा है फाउंडेशन बनने जा रहा है, इसका जो है प्लेटफार्म बनने जा रहा है, हम सबको इनवाइट करेंगे, जो इस्लाम के आलिम है उनको भी बुलाएंगे, जो अपने ईसाई जो पादरी हैं बुद्धिजीवी हैं उनको भी बुलाएंगे, वो सामने चर्चा करेंगे, आइए सही क्या गलत क्या, सत्य को अपनाए असत्य को छोड़ें। भाई आपका भी वही कर्तव्य है, हमारा भी वही कर्तव्य है। अगर क्या किसी मौलाना से पूछोगे वो नहीं कहता, वो भी कहता हाँ सत्य को अपनाना चाहिए असत्य को छोड़ना चाहिए। आप किसी पादरी से कहोगे वो भी कहेगा सत्य को अपनाओ असत्य को छोड़ो। तो वो सत्य है क्या उसको जानिए, आप उसमें चर्चा करिए, जो सही है उसको मानिए। और ये इसका इलाज भी है कि हम सब एक सोच के लोग हों, सही जो सोच है उसके लोग हों, तो ये मत मजहब से छुटकारा मिल सकता है। इसका इलाज भी यही है कि सत्य को अपनाना असत्य को छोड़ना। बहुत अच्छा विवरण दिया धर्मवीर जी ने। और किताबें अगर खोल के देखी जाए तो सत्य अपने आप सामने आ जाएगा, ये बहुत अच्छा कहा। और उस और थोड़ा जानते हैं, देखिए जो भी जो कहते हैं ना कि ये अल्लाह की किताब है, ये ईसा की किताब है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी एक पहचान है। जो भी जो परमात्मा का जो ज्ञान है उसमें कभी भी सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं होंगी, सृष्टि विरुद्ध बातें होगी नहीं, विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं होगी, एक भी नहीं होगी। और उसकी पहचान करने का तरीका भी है कि उसमें सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए, विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए। कि परमात्मा का ज्ञान है तो विज्ञान के विरुद्ध कैसे चला जाएगा, हो ही नहीं सकता। उसमें जो भेदभाव नहीं होना चाहिए वो मानव मात्र के उत्थान के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए होना चाहिए। जिसमें ये गुण हो, जिसमें शास्त्र में वो ही परमात्मा ज्ञान है, और जिसमें भेदभाव हो परमात्मा ज्ञान है ही नहीं। इसलिए उसको मानो, जो सबको जो है एक राह पर चलने के जो प्यार करना सिखाता हो, जो जिसमें भेदभाव ना हो, वही परमात्मा का ज्ञान है, वही मानना चाहिए, वही हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, तभी हम मनुष्य कहलाने लायक हैं। वरना तो सब जानवर हैं, उन्हें थोड़ी पता कि जो परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, किसने बनाया क्या है, वो आ रहे जा रहे अपना ऐसे ही आना जाना लगा रहेगा। अच्छा धर्मवीर जी हमें एक बात बताइए कि बहुत सारे मौलाना आजकल हम टीवी पर देखते हैं और डिबेट्स में वो मौलाना शामिल होते हैं और ये कहते हैं और ये कह कर के दम भी भरते हैं कि जो इस्लाम धर्म है अपने आप में ये पीस शांति का प्रतीक है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जबकि ये कुरान शरीफ में अपने आप में लिखा हुआ है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पे कत्ल करने का अपने आप में नई नई रूल्स उसमें चिन्हित किए गए, और यहाँ पर अगर उसमें जुडिशरी में देखा जाए उसके लिए अलग से धारा है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो जहाँ इस्लाम के मानने वाले हैं वहाँ शांति हो ही नहीं सकती, वहाँ दूसरों की जगह ही नहीं है। जहाँ दूसरे लोग हैं वहाँ मारकाट है। सऊदी अरब में देख लीजिए, वहाँ दूसरे लोग हैं नहीं, उनको सबको मार दिया गया, काट दिया गया, इसलिए वहाँ है। वहाँ भी जो है जो शिया है शिया को बर्दाश्त नहीं करते, और जो सुन्नी है वो शिया को बर्दाश्त नहीं करते, सुन्नी शिया जो है सुन्नियों को बर्दाश्त नहीं करते। जहाँ इस्लाम आ गया वहाँ शांति का तो नाम रहा ही नहीं, वो तो कुरान गवाह है, मेरे से पूछने क्या जरूरत है, कुरान गवाह है कि ये दूसरे को पसंद करते ही नहीं है। और जब जहाँ ये अपने खुद हैं वहाँ इनमें 73 फिरके हैं इस्लाम को मानने वाले, फिर ये आपस में एक दूसरे को मारते हैं। इनमें एक चलन है कि जन्नत के तो जो है एक ही फिरका जाएगा जन्नत में, फिर वे आपस में एक दूसरे को मारते काटते हैं। तो जहाँ इस्लाम है सवाल ही पैदा नहीं। आप देख लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ आलिमों को लाइए, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपका चैनल है, आपको श्रेय मिलेगा, लाइए जो इस्लाम के आलिम है, हम उनसे विनती करते प्रार्थना करते हैं, आइए भैया कुरान पर चर्चा करें हम, और उसके बाद कुरान पर चर्चा करने के बाद फिर वेदों पर चर्चा करते हैं और दूसरे चीज़ों पर चर्चा करते हैं, आइए जो सही है उसको माने। अगर कहते हैं ये साबित कर देंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह, तो हम उसी दिन इस्लाम कबूल कर लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आइए मुझे इस्लाम कबूल कराइए, आप मेरे बातों का जवाब दीजिए। ये नहीं कि मान लो, क्यों मान ले भाई, आप कहोगे मिट्टी को चीनी, मान लो क्यों मान लो, वहाँ कुरान में कहा है कि जो भी कुरान में लिखा है इस पर कोई शक सुबह करने की जरूरत नहीं है, और पूरी कुरान भरी पड़ी है शक सुबह से, पूरी कुरान में शक सुबह की जरूरत, आइए सामने, मैं तो विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ आपके चैनल के द्वारा, वो आए उनका स्वागत है।
अगर वो साबित कर देते हैं, सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ में लाखों तैयार है, आइए सामने, कोई आएगा ही नहीं, आता ही नहीं है, छुप जाते हैं, सच्चाई सामने आने लगी है भैया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आइए, आप चाहते हैं इस्लाम दुनिया में फैलाना, तो क्यों नहीं आप मीडिया के सामने, सबके सामने खुली चर्चा करने को तैयार, इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर आइए, खुली चर्चा करते, नहीं वहाँ मना किया है, शख्स सुबह नहीं करना। अच्छा, जाकिर नायक अपने स्टेज पर इतने सारे लोगों को घर अपने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, और वो भी नए नए लॉजिक द्वारा उनको कन्वर्ट करता है, तो उसके आज तो वो भारत में कहीं भी डिबेट या स्पीच नहीं देता है, उसका जो पीस टीवी था चैनल वो भी बंद करा दिया गया है भारत में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उसके लॉजिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? वो महा झूठा है, वहाँ माँ मकार है, दुकान खोल रखी है, चूंकि इनका तंत्र तो मजबूत है, ये एक के पीछे भेड़ की चाल चल देते हैं, उसको पता ही नहीं धर्म किसे कहते हैं, आप भी कह रहे धर्म नहीं है, इस्लाम मजहब है, और अल्लाह ने तो कोई गिरोह बताया, मैंने कह रहा सूरह अंबिया की आयत नंबर 92 पढ़ लीजिए, वहां तो क्या मेरे गिरोह के लोगों आप धर्म धर्म कर रहे हो, उसको धर्म का धय नहीं पता, धर्म का धय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर बाई दिवे मजाक की बात भी है, अगर अल्लाह की बात ये जो बता रखी है ये झूठ हुई कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, काफिरों को मारो काटो, अगर झूठ हुई, तुम्हें मांस खाने के लिए बोल दिया, जानवर को मारो काटो खाओ, ये हलाल है ये हराम है, अगर ये बात झूठ हुई, अगर जो है जो वेदों में लिखा है कि प्राणी मात्र से प्यार करो, किसी जीव को दुख ना दो, अगर वो बात सत्य हुई तो ये कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कितनी इनको सजाएं मिलेंगी, कहां कहां सजा मिलेगी, ऐसे थोड़ी कोई कीड़े मकोड़े बन रहा है, क्या उनमें जान नहीं है, उनमें भी जीव है, की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई भी हमारा मकसद नहीं है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी, जैसा कि कुरान की कुछ आयतों का भी हमने विवरण किया यहाँ पर, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस, मेरी बात को कुरान में नहीं है गलत साबित कर दे 10 लाख रुपए दूंगा, कुरान में जो जो आयतें हैं काफिरों को मारने की काटने की लूटने की, ठीक है, उनको जो है भेदभाव जो बढ़ाया अल्लाह ने बढ़ाया, दो हिस्सों में बांट दिया है पूरी दुनिया को, आईएस के बारे में बताइए, क्या वो पूरी तरह से, अल्लाह देखिए अल्लाह ने दो हिस्सों में बांट दिया पूरी दुनिया को, एक जहन्नमी और एक जन्नती, जन्नती वो है जो कुरान पे विश्वास कर ले, जो भी लिखा उसको माने, ठीक है, कैसे, ईमान लाए काहे पे कि अल्लाह जो है सूरह काफ की आयत नंबर 86 में अल्लाह से जो है ने देखा सूरज जो कीचड़ में डूब रहा था, जो मान ले कि अल्लाह कीचड़ में डुबा देता है सूरज को वो ईमान वाले हैं, और जो नहीं माने वो बेईमान है, जो मान ले कि ये धरती जो है चपटी है, ठीक है ये चपटी है और ये घूमती नहीं है, तो वो मान ले तो वो ईमान वाले हैं, जो ना माने वे बेईमान है, तो ऐसी कितनी बातें, जो मान ले मोहम्मद साहब ने उंगली से चांद के टुकड़े कर दिए चांद जैसे बिस्कुट हो, जो इस बातों को मान ले ईमान लिया है तो ईमान वाला, जो ना माने वो बेईमान, उनको मारो सालों को, ये है पंगा सारा, आईएसआई का है यही, आईएसआई का अगर ये है तो आईएसआई का जो सिपेसलार था कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, क्यों अल्लाह ने मरवाया उसको, अगर अल्लाह के उसमें चल रहा था, और मैं कहना चाहता हूँ हजरत मोहम्मद साहब वो तो अल्लाह ताला के बहुत करीब और नबी थे, जो जब युद्ध हुआ युद्ध में उनके दांत कैसे टूट गए, अल्लाह ने उनके दांत की रक्षा क्यों नहीं करी, वो सबको रक्षा करने वाला सब कुछ करने वाला है, कहते जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, जो रेप हो रहे हैं जो जितना भी हो रहा है गुंडागर्दी मार काट सारा जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, अल्लाह ने खुद कहा, अल्लाह तो खुद कह रहा कुरान में, जो तुम कर रहे हो मार रहे हो, तुम नहीं मार रहे मैं मार रहा हूँ, सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, तो दोषी फिर भैया दूसरे कौन है, अल्लाह दोषी है ना, जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से बगैर कुछ होता ही नहीं तो दोषी दूसरा कौन है, दोषी अल्लाह है, तो अल्लाह से पूछो फिर, कहते जो कुछ होता अल्लाह की मर्जी से, अरे अल्लाह की मर्जी से होते तो प्रधानमंत्री मोदी बना अल्लाह की मर्जी से, चलो तुम्हारी बात मान ले, तुम अपनी बात पे टिको, और तुम अल्लाह की बात भी नहीं माने, मोदी के खिलाफ मोदी को ही गाली दे रहे हो, बकरे हो, या तो कहिए अल्लाह झूठा है, अल्लाह की मर्जी से नहीं होता, और है तो अगर फिर मानो अल्लाह की बात, अल्लाह की कही बात, फिर क्यों उल्टा कर रहे हो? ये बहुत बड़ा प्रश्न, जो इस्लाम के अनुयायी है मुस्लिम है, जो ईमान वाले हैं उनके सामने भी छोड़ा गया, जो इंशाअल्लाह बोलते हैं उनके सामने भी छोड़ा गया, क्योंकि अल्लाह ही एक है जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, तो क्यों उन पर सवाल उठाते हैं फिर, अल्लाह ही अगर सब कुछ कर रहा है तो उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं फिर, तो ये भी बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ और इन उत्तरों के साथ हम आज के लिए विदाई लेते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, अगर ठेस पहुंचती है तो उसके लिए खेद है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।